देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। दिल्ली तलघर के कोचिंग हादसे में विद्यार्थियों की मौत के बाद देश भर में बहुमंजिला एवं अन्य इमारतों में तलघरों में व्यापार व्यवसाय एवं अन्य संचालन को लेकर सरकार के कड़े रुख के बाद शासन एवं प्रशासन स्तर पर कार्यवाही को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा आदेश जारी किया गया है कि सभी तलघरों को सिर्फ पार्किंग उपयोग के लिए ही काम में लिया जा सकेगा। इसी तारतम्य में इंदौर नगर निगम द्वारा 14 अगस्त को जारी एक सार्वजनिक जाहिर सूचना के माध्यम से शहर के सभी तलघरों को 1 माह के भीतर खाली किए जाने के आदेश पूर्व में भी जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश के अनुसार यदि 1 माह के भीतर व्यापार व्यवसाय एवं अन्य गतिविधि के लिए संचालित तलघर को खाली नहीं किया गया तो नगर निगम वहां पर कार्यवाही कर उसे स्थान को पार्किंग के लिए रिक्त कराएगा। इस मामले में इंदौर नगर निगम द्वारा अब तक 900 तलघर चिन्हित कर लिए गए हैं। वहीं अन्य तलघरों की भी जानकारी निगम को प्राप्त हो रही है जिनकी सूची बन रही है। इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि 13 सितंबर के बाद पार्किंग उपयोग के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के व्यापारिक एवं व्यावसायिक उपयोग पाए जाने वाले पर संबंधित दुकान एवं संस्थान के खिलाफ कार्यवाही होगी तथा नगर निगम सख्ती से उक्त स्थान को खाली कराएगा। जिन भवनों के नक्शे में तलघर में पार्किंग दी गई है अनाधिकृत उपयोग पाए जाने पर सबसे पहले उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। ऐसे चौराहे जहां पर यातायात जाम की स्थिति अधिक बनती है वहां के बहुमंजिला इमारत एवं अन्य भवनों में सर्वप्रथम पार्किंग के लिए निर्धारित तलघरों को खाली कराया जाएगा तथा वहां पर वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली की घटना ने जिम्मेदारों को झकझोर कर जगा दिया है। इंदौर नगर निगम द्वारा ऐसी इमारतों की जाँच हुई है जहाँ तलघर का उपयोग व्यावसायिक हो रहा है। ये बीमारी कोचिंग क्लास वाले भंवरकुआं आदि हिस्सों में ही नहीं समूचे शहर में एक समान है। शीतला माता बाजार, नलिया बाखल, खजूरी बाजार, सराफा, राजबाड़ा, इमली बाजार, आड़ा बाजार, जील रोड, रीगल स्क्वायर, आरएनटी मार्ग, छावनी, सपना संगीता रोड, एबी रोड आदि शहर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां बिल्डर ने सरकारी कारिंदों और महकमों से मिली भगत कर बेसमेंट का उपयोग कमाई के लिए करवा लिया। मध्य शहर के बाजार, वाहन पार्किंग और ट्रैफिक का रोना आए दिन रो रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान तो उनके इलाके की उन इमारतों में ही है जहां नए निर्माण के साथ दर्जन 2-3 दर्जन दुकानों के साथ नई बिल्डिंग तो अस्तित्व में आ गई लेकिन इन दुकानों की पार्किंग सड़क पर आ गई। अब कितनी ही बार बाजारों के दौरे कर लो, समस्या सुलझनी ही नहीं है और ना इतनी जगह कहीं है कि अलग से पार्किंग बन सके। इसके लिए उन इमारतों के बेसमेंट पार्किंग के लिए मुक्त करना ही होंगे जहां दुकान बना दी गई है। जारी किया है कि बेसमेंट जो है वो 13 सितंबर के बाद उपयोग में पार्किंग के लिए ही होंगे सिर्फ, तो उसको लेकर नगर निगम किस तरह से प्रगति कर रहा है? देखिए, नगर निगम इंदौर ने एक जाहिर सूचना भी की थी, साथ ही साथ जो चिन्हांकित किए हैं उसमें उन बिल्डिंग्स को भी चिन्हांकित करने का हमने काम किया, एक्सरसाइज करी है और इनको इंडिविजुअल नोटिस भी दिए हैं। और हमारा ये सारी गतिविधियाँ, एक तो नियम हमारे जो बिल्डिंग लॉज है उनका इन्फोर्समेंट कराना, दूसरा हमारे जो शहर की पार्किंग से और साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था उसको सुदृढ़ करने के हिसाब से ये कार्य किए जा रहे हैं। तो हमने उन बिल्डिंग्स को भी अब नोटिस देना शुरू किए और हम लोग आने वाले समय में इस पर कार्रवाई भी करेंगे। सर, अभी देखा गया कि गीता भवन क्षेत्र में आपके कार्यालय के जस्ट पास में ही एक नया शोरूम खुला है जो कि तलघर में खुला गया है, पर इसको किस तरह से देखते हैं सर? अभी लोगों हिम्मत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने वही कहा कि हम नोटिस दे रहे हैं, उसका हम लोग जब कार्रवाई करेंगे और बिल्कुल ऐसी सभी जो बिल्डिंग्स होंगी या जिनके उसमें कमर्शियल एक्टिविटी हो रही होगी उनके कार्रवाई भी करेंगे। लगभग सर कितने तलघर अभी तक चिन्हित कर लिए गए नगर निगम ने इस मामले में? अभी लगभग हमने 900 से ज़्यादा हमने इसमें चिन्हित कर लिए हैं, कुछ और संख्या भी आई है लेकिन उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और इन सबको नोटिस दिए जाएंगे। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम मार्केट क्षेत्र जो हमारे मेजर चौराहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या रहती है उनको प्राथमिकता से लेते हुए अन्य फिर भवनों पे कार्रवाई करेंगे। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।